अगर हम आपसे कहें कि पत्थर हवा में उड़ते हैं तो आप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक ऐसा स्थान है जहां यह संभव था। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां स्थित रामनगर किले के निर्माण के लिए राजा हिदसा ने तंत्र शक्ति के बल पर पत्थरों को खुद के पास बुलाया था और पत्थर हवा में उड़कर निर्माण स्थल तक पहुंच गए थे। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे इसी किले के बारे में और जानेंगे कि ये किला मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामनगर का ये किला अष्टपलक पत्थरों से बना है। अष्टपलक पत्थरों का पहाड़ रामनगर किले से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है और गौड़ काल में इस पहाड़ के पत्थरों का इस्तेमाल महल निर्माण के लिए किया जाता है। वहीं स्थानीय लोग की माने तो उस समय राजा हिदेसा ने पत्थर को हवा में उड़ाकर इस किले का निर्माण कराया था। वहीं इतिहासकार इस बात को सिरे से खारिज करते हैं और इतिहासकारों का कहना है कि इस पत्थरों को कहीं बाहर से मंगवाया गया था। मान्यता के अनुसार यहां मोती महल, रानी महल और राय भगत की कोठी का निर्माण काली पहाड़ी के अष्टफलक पत्थरों से कराया गया था। खास बात यह है कि इन विशाल महलों का निर्माण राजा हिदेसा ने रामनगर में अपने तंत्र शक्ति के महज 2.5 दिनों में ही कराया था। इतिहासकार भी मानते हैं कि गौड़ राजा तंत्र शक्ति पर विश्वास रखते थे। वे कई कार्यों के लिए तंत्र क्रिया का करते थे और जबलपुर में बना भैरव बाबा का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए ही बनाया गया था। यह मंदिर देश के बड़े तांत्रिक मंदिरों में गिना जाता है और यहाँ कई राजा आकर साधना करते थे। इस मंदिर को भारत का एकमात्र तांत्रिक मंदिर भी माना जाता है और आज भी यहाँ साधना करने के लिए लोग आते रहते हैं। इस मंदिर को बजना मठ के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर का निर्माण भी काले पत्थर से ही किया गया है। हालांकि आज इसका रंग रोगन कर दिया गया है और तांत्रिक पीठ मंदिर के भीतर काल भैरव की मूर्ति है। इसकी वजह से यहाँ पर लोग तांत्रिक साधना करने आते रहते हैं और मंगलवार और शनिवार को यहाँ तांत्रिक साधना करने वालों की भीड़ बनी रहती है। इसके अलावा भी लोग अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए यहाँ आते हैं और भक्तों का तांता यहाँ पर हमेशा लगा रहता है। और मंदिर से जुड़े एक पुजारी का कहना है कि काल भैरव के 2 ही मंदिर हैं, एक उज्जैन में और दूसरा जबलपुर में है और यह एकमात्र तांत्रिक मंदिर है। और ऐसा दावा किया जाता है कि दूसरा कोई तांत्रिक मंदिर भारत में इसके अलावा नहीं है और इसकी धार्मिक मान्यता केवल जबलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोग दूर दूर से यहाँ तांत्रिक साधना करने के लिए सामान्य दिनों में और दीपावली के आसपास आते रहते हैं। ये थी जबलपुर के रामनगर किले की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।